भारत को गिरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर जाएंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दरअसल नक्सली हमला हुआ था बीजापुर में और इस बीच गृह मंत्री 3 अप्रैल को वहां पर जो मुठभेड़ हुई थी उसको लेकर के गृह मंत्री बीजापुर जाने वाले हैं और वहां पर जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले जो इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ बीजापुर में उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक भी की थी और अब खबर ये आ रही है कि बीजापुर जाएंगे खुद अमित शाह। हमारे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर के लिए निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहुंचेंगे, घटनास्थल पहुंचेंगे जहां पर नक्सलियों ने हमला किया था और उसके बाद उस जगह का जायजा लेंगे। इसके बाद सीआरपीएफ कैंप में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और नक्सल विरोधी अभियान में क्या सहयोग चाहिए होगा, कितनी और किस तरीके से तेजी आएगी, इस बात पर अहम चर्चा होगी। और इसके बाद गृह मंत्री रायपुर जाएंगे, रायपुर में घायल जवान उनसे मुलाकात करेंगे और जो शहीद जवान है उनके प्रति श्रद्धांजलि करेंगे। तो बहुत गंभीरता से गृह मंत्रालय ने इस पूरी की पूरी घटना को लिया है और गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा इसी कड़ी में है। इससे पहले डीजी सीआरपीएफ को उन्होंने आदेश दिया था, कल डीजी सीआरपीएफ वहां पर पहुंच चुके हैं और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर जाएंगे और यह दौरा करेंगे। बिल्कुल, तो अमित शाह बीजापुर के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ देर में बीजापुर पहुंचेंगे जहां पर वो शहीद हुए जवानों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो जवान वहां पर घायल हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। 3 अप्रैल को मुठभेड़ हुई थी जिसमें 22 जवान हमारे शहीद हो गए थे, कई जवान घायल भी हुए थे और इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था बीजापुर में। गर्मी बढ़ने के साथ ही यूपी और बिहार में खेतों में खड़ी फसल में आग लगने की घटनाओं से चिंता बढ़ गई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें पहली बिहार के समस्तीपुर की है। वहां आग की वजह से 10 बीघा में लगी फसल राख हुई, जबकि बाकी तस्वीर यूपी के हरदोई, देवरिया और शाहजहांपुर की है। इन जगहों पर भी अचानक आग लगने से किसानों की कई महीनों की मेहनत बर्बाद हुई। आग भी इतनी तेजी से फैली कि फसल बचाने का मौका तक नहीं मिला। यूपी